अब ये वायु कहाँ चला गया है? फोन भी नहीं उठा रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं किया उसने। अब तुम बिन बताए कहाँ चली गई थी? क्यों? अगर आपके फादर की डेथ कंफर्म भी हो जाती है तो भी हॉस्पिटल आपके नाम पे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये हॉस्पिटल में नॉमिनी आपकी मॉम है। लॉयर के पास गई थी। बता कर जाया करो बेटा, मुझे डर लगता है। क्यों मॉम, डरना क्यों? कैसे ना डरूं? अब देखो ना, वायु भी कहीं चला गया है, वो भी बिना बताए, अब फोन भी नहीं उठा रहा है। मॉम वो यहाँ पे सिर्फ जॉब करता है, यहाँ पर सिर्फ एक एम्प्लॉई है, तो उसे एम्प्लॉई की तरह ही ट्रीट कीजिए। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉम आप सबका कितना ध्यान रखती हैं, आप अपना भी तो ध्यान रखिए। अब डैड की एब्सेंस में सारे लीगल डिसीजंस हॉस्पिटल के आप ही लेंगे। मतलब? मॉम अग्नि इमोशनल है, मैनेजमेंट को इमोशन से नहीं हैंडल किया जा सकता, मैनेजमेंट को प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत है। तुम कहना क्या चाहती हो? आप आइए। कहाँ गया होगा? मेरे बारे में सोच रही? या फिर चैलेंज कैसे जीतोगी ये सोच रही? तुम पागल पागल तो नहीं हो गए हो क्या? मैं तो पागल हो जैसी कोई बात ही नहीं करी। मॉम को बिना बताए घर से चले गए तो ये पागलपन ही हुआ ना। तुम्हें पता कितना परेशान हो रही थी वो तुम्हें लेकर। इतने सारे कॉल्स किए तुम पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा, तो उठा ही नहीं रहे थे। सॉरी, वो फोन साइलेंट पे था। कहाँ गए थे? ये कौन पूछ रहा? ये तुम पूछ रही हो या तुम्हारी मॉम पूछ रही? तुम इंसान देखकर जवाब दोगे? मतलब मुझे कुछ और मॉम को कुछ और। यू नो व्हाट, मुझे ना इसीलिए तुम पर भरोसा नहीं। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना तुम सोच सकती हो, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है। चलो बता ही देता हूँ तुम्हें मैं कहाँ गया था। मैं एक्चुअली उस इंसान से मिलने गया था जिसने मुझे इस घर में बॉडीगार्ड बना के भेजा। मैंने वहां चने की सब्जी के साथ एक रोटी खाई, पानी पिया और मैं सीधा चल के यहां आ गया। बस तुम? तुम्हें हमारे घर से तो कुछ पता चला नहीं जिसके लिए तुम यहां आए, पर मुझे तुम्हारे घर से कुछ पता चल गया। तुमने अपनी दी तक को नहीं बताया ना कि तुम वहां दिल्ली में नहीं बल्कि यहां मुंबई में। और हमारे साथ तुम यहां बॉडीगार्ड बनकर रह रहे हो। दी को कॉल किया? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हॉस्पिटल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे दीजिए। बेटा अग्नि एक डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल के डिसीशंस अच्छे से ले सकती है, और फिर उसने प्लान भी तो दिया है। मॉम वो सोल्यूशन टेम्परेरी है, हमें आगे के लिए बहुत लॉन्ग टर्म प्लान सोचने पड़ेंगे। तुम कुछ भी सोच लो बेटा, लेकिन अपनी सोच में अपने डैड को जरूर रखना। या फिर तुमने कहीं ये तो नहीं मान लिया है कि डैड कभी वापस ही नहीं आएंगे? मॉम
आप ऐसी कैसी बातें कर रही हैं? डैड वापस आ जाएंगे तो उससे अच्छा क्या हो सकता है हम सबके लिए? अभी डैड नहीं है इसलिए मैं ऐसे सॉल्यूशन के बारे में सोच रही हूँ। एंड वी ऑल डू नो अग्नि डैड के बिना एफिशिएंट नहीं है, उसकी एफिशिएंसी सिर्फ डैड के साथ है। वो अकेले हॉस्पिटल के सारे डिसीजंस नहीं ले पाएगी, कैसे निकालेगी वो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन? मॉम देखो बेटा, अग्नि ने अभी भले ही टेम्प्ररी सॉल्यूशन दिया हो, बट दिया तो है ना, वो आगे कुछ और अच्छा सोच लेगी। मॉम अग्नि ने मुझे एक बार हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो इमोशनल है और मैं प्रैक्टिकल, हम दोनों में बहुत फर्क है। कौन क्या है ये नहीं जानती मैं, पर इतना जरूर समझती हूँ कि किसी भी फर्क से तुम दोनों बहनों के बीच कोई फर्क नहीं आना चाहिए। देखो बेटा, आज हमारे पास जो कुछ भी है वो तुम तीनों बहनों का ही है ना, फिर ये तेरा मेरा करके क्या फायदा? मैं बस इतना जानती हूँ कि आपके लिए सही वही है जो डैड को फॉलो करे, और इसलिए आप अग्नि की साइड लेती हैं। बट लेट मी क्लियर दिस टू यू मॉम कि किसी के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से मैं हॉस्पिटल के लॉसेस बेयर नहीं कर सकती, और ये मेरा आखिरी फैसला है। बिना फोन किए इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल सकती ना? How dare you? Come on, pick it up. क्या हुआ? दूसरों की लाइफ में सीन क्रिएट करने वाले का आज खुद ही की लाइफ में सीन क्रिएट हो गया? हेलो दी, तू दिल्ली में है ना? क्या हुआ, चुप क्यों है, कुछ बोलेगा? कहाँ है तू? दी वो आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर दी। मैं पूछ रही हूँ कि तू दिल्ली में है या नहीं? दी अब दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ तो दिल्ली में ही होऊंगा ना। वैसे आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मेरे किसी दोस्त का कॉल आया था क्या आपको? हाँ वो अग्नि का फोन आया था, पूछ रही थी तेरे बारे में। अग्नि ने कॉल किया मेरे बारे में पूछ रही थी, बट दी मैं तो जब से दिल्ली आया हूँ मेरी अग्नि से कोई बात ही नहीं हुई। तो हाँ पता नहीं, जब मैंने तेरे बारे में बताया तो काफी परेशान सी लग रही थी वो। नहीं दी मैं काव्या केस के बाद मेरी उससे कोई बात ही नहीं हुई, पता नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि उसे शायद पता नहीं था कि मैं दिल्ली में आया। वैसे मुझसे भी कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, उसने बस तेरे बारे में पूछा और मैंने जैसे बताया उसने फोन काट दिया। वैसे वायु तू सच बोल रहा है ना? दीप, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं वो क्या है ना कि आजकल तू ठीक से बात भी नहीं करता है और ऐसा लगता है कि तू अवॉइड कर रहा है। दी इस दुनिया में आपके अलावा मेरा है ही कौन जो मैं आपको अवॉइड करूंगा? आप इतना मत सोचिए प्लीज। अग्नि अग्नि वो इतनी जल्दी दिल्ली कैसे पहुंच गए? अब नहीं थी वो एक्चुअली मेरे ऑफिस में जो सेक्रेटरी है उसका नाम अग्नि है, मैनेजर है वो एक्चुअली अग्नि को बुला रही थी बस और कुछ नहीं।
अच्छा सुनिए दीदी, मैं लेट हो रहा हूँ, बहुत काम पेंडिंग पड़ा है, मैं आपसे रात में बात करता हूँ। हाँ, आप अपना ख्याल रखिए। वंडरफुल। मुझे लगा था कि तुम्हें सिर्फ बातें बनानी आती, लेकिन तुम तो बातें छुपाना भी जानते हो। तुम्हें इसमें मेरी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। अपने इन्वॉल्व तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए था, मेरी फैमिली को। मैंने तुम्हारी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया। तुम मेरी फैमिली के साथ रह रहे हो, वो भी इसी घर में, अपने किसी पर्सनल एजेंडा के लिए। तो अब इसे इन्वॉल्वमेंट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लिसन, यू लिसन टू मी। मैंने तुम्हारी दी को सिर्फ इसीलिए कॉल किया था, तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। मेरा इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। यू नो, मुझे ना तुम्हारे इंटेंशन से डर लगता है। इंसान छुपाता वही है जो सच नहीं होता। तुम बता क्यों नहीं देते? तुम बॉडीगार्ड बनकर क्यों आए हो? बता दूंगा, लेकिन तब तक मेरी फैमिली से दूर रहना। जब तक तुम मेरी फैमिली के सामने क्वेश्चन मार्क बन के रहोगे ना, तब तक मैं तुम्हारी फैमिली के सामने एक टिकिंग बॉम्ब बन के रहूंगी, जो कभी भी फट सकता है। तो या तो तुम अपना सच बता दो मुझे, या फिर मैं तुम्हारा सच तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। जब सच सबके सामने आएगा ना, तब सबको असलियत खुद ही पता चल जाएगी, समझी? कैसी ये दूरी, कैसी ये मजबूरी, आधी अधूरी वो रातें, कसमें न पूरी वादे थे जरूरी, क्यों बन गए हैं फासले। जमाना ये समझ न पाए, कहानी जो दिल सुनाए, सियाही तकदीर के कलम की है, फसाना भुला न पाए, किस्मत लिखती ही जाए, सियाही तकदीर के कलम की है। ये क्या तरीका है? कहाँ चले गए थे बिना बताए? पता है मैंने कितने फोन किए तुम्हें? अगर काम से भी गए थे तो एक मैसेज तो कर सकते थे ना? यहाँ पता नहीं मैं क्या क्या सोची जा रही थी, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी किसी बड़े ने डांटा नहीं? कुछ कहोगे भी या फिर यूं ही भूत बन के खड़े रहोगे? वो एक्चुअली फोन साइलेंट पे था। आगे से बाहर जाओ तो फोन साइलेंट पे मत रखना। और बेटा, मेरी बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, पहले ही घर में इतना कुछ हुआ है, मुझे लगा आज भी वैसा ही कुछ। अग्नि के डैड पहले जब भी बाहर हुआ करते थे, मेरे फोन की एक रिंग पे फोन उठा लिया करते थे, पर उस दिन उनके गायब होने से पहले मैंने उन्हें कई फोन किए और उन्होंने उठाया नहीं। आज जब तुमने फोन नहीं उठाया तो मुझे लगा मैं
तुम भी सोच रहे होगे जी कैसा घर है, जा काम भी करो और डांट भी सुनो। बस कुछ याद आ गया था बेटा, मैं कभी कभी डांट दूं तो बुरा मत मानना। एक बात कहनी थी, मेरी इतनी भी आदत मत डालिए कि अगर मैं कल को ना रहूं तो आपकी डांट खाने वाला भी कोई ना हो। कुछ तो गड़बड़ है ये दिल्ली वाली जॉब को लेके ना, वायु हमसे पक्का कुछ तो छुपा रहा है। ये क्या है, मैं यहाँ बोलती जा रही हूँ और आप हो कि लैपटॉप के सामने बैठे हो। वायु हमसे क्या छुपाएगा, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो। मैं बस कुछ सुनना नहीं चाहती, आप अभी के अभी दो टिकट बुक कराओ दिल्ली के, हम जा रहे हैं वायु से मिलने। तुम भी ना मानी, एक बात दिमाग में आ जाती है तो तुम उसे लेके ही बैठ जाते हो। अरे हम अचानक दिल्ली जाएंगे तो वायु क्या सोचेगा? क्या सोचेगा, यही सोचेगा ना कि हम उससे मिलने आए। देखो तुम्हारे सवाल जवाब तुम्हारे ही पोल खोल देंगे, उसे ऐसा लगेगा कि हम उस पे शक करें, इसलिए उसे बिना बताए दिल्ली आ गए। इसलिए कहता हूँ वायु को शांति से जॉब करने दो। शांति तो यहाँ मुझे नहीं है, पहले अग्नि का फोन आया, वो वायु के लिए पूछ रही थी। जब मेरी वायु से बात हुई तो पीछे से कोई अग्नि को आवाज दे रहा था, और अग्नि इतनी जल्दी कैसे दिल्ली पहुंच गया और क्यों? देखो तुम इतना सोचोगी तो तुम्हें बीपी की दवाई लेनी होगी। मेरी हर बीमारी की दवा तो सिर्फ वायु है, अगर उससे एक बार मिल लेती हूँ तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। आप दिल्ली साथ चल रहे हो तो ठीक है, वरना मैं चली। अब कुछ नहीं हो सकता वायु, तूने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है। मुझे नहीं लगता कि जिस काम के लिए तू वहां पर गया था वो अब हो पाएगा। अरे कुछ बोलेगा, क्या सोच रहा है तू? क्या सोच रही हो अग्नि? अरे भूल जाओ सब कुछ, वायु यहाँ पर बस एक चाबी लेने आया था ना, इससे ज्यादा तुम कुछ पता लगा ही नहीं पाई। मुझे तो लगता है कि वायु जिस काम के लिए इस घर में आया ना, वो काम करेगा और काम करके चला जाएगा, और तुम बस देखती रह जाओगी उसे। तू एक काम कर, अभी वहां से निकल ले, हम कुछ और ट्राई करते हैं। अरे छोड़ो अग्नि, अब कुछ हो ही नहीं सकता। वायु ना बहुत स्मार्ट आदमी है, जहां सोचते हैं ना उससे एक स्टेप आगे वो सोचता है। अगर हार ही माननी है ना तो सही तरीके से हार मान लेंगे। अग्नि तुम सच में पियोगी? क्यों? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी पी सकता है, लड़कियां भी पी सकती हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अग्नि, प्लीज आर्या को मत बताना,
कि मैंने ये बॉटल अपने कबर्ड में कपड़ों के पीछे छुपा के रखी थी। वो पता क्यों रखी थी? जब आर्या का जुल्म और सितम मुझ पर बढ़ जाता है ना, तो मैं अपना गम गीला करने के लिए अपने गले को गीला कर देता हूँ, ज्यादा नहीं, एक दो पैग, बस इतना कम। डोंट वरी, मैं नहीं बताऊंगी। थैंक यू, लेकिन एक सजेशन भी है। वायु से तो तुम हार गई, अब इसे पीकर खुद से मत हार जाना कहीं। तुम थोड़ा सोच लेना। सोच गहरी हो ना तो इरादे कमजोर पड़ जाते हैं। Share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.